हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वुमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा, बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और आपका यूनिट नंबर 7 चल रही थी, यूनिट 7 चल रही थी जिसमें हम करा रहे थे आपको मैकलॉरिन एंड टेलर्स थ्योरम वाले क्वेश्चंस कुछ चल रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, तो उसी पर बेस्ड कुछ सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कि कल मैंने बताया था आपको कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न था, तो उसी का एक पार्ट रह गया था। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्सपेंड बाय द मैकलॉरिन थ्योरम, ठीक, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है log 1 प्लस साइन एक्स। बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न है, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, y1 y2 y3 ऐसे बहुत सारे पद निकाल लेंगे हम। तो पहले हम इसको मान ले रहे हैं y log 1 प्लस साइन एक्स। इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे y1, तो क्या हो जाएगा log x का। समझो कि ये वाली चीज आपकी x है, log x का क्या होता है 1/x। x की जगह पर क्या है, हमने किस चीज को x माना है, हमने 1 प्लस साइन x को हमने x अपने दिमाग में सोच लिया, तो ये log x दिखाई देगा। log x का 1/x, क्योंकि हमने 1 प्लस साइन x को x सोच लिया। ठीक है, तो जिसको हम सोचते हैं x, उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो इसका दोबारा से अवकलन करके गुणा में लिख देंगे, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि y1 बराबर आ गया cos x / 1 प्लस sin x। इसका फिर दोबारा से अवकलन करेंगे, दोबारा से y2 करेंगे, तो नीचे क्या है, देखिए अब ये दो फंक्शन बन रहे हैं, पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन होता है। हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, नीचे वाला जो फंक्शन होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन जो करते हो पहले का अवकलन, फिर माइनस करते हैं, फिर आपका पहला वाला फंक्शन जो करते हो फिर दूसरे का, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन जो करते हो ऊपर वाले का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस पहला वाला फंक्शन यानी ऊपर वाला फंक्शन हम जो करते हैं आएगा इनटू नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, कॉस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आपकी इच्छा है, देखिएगा यहाँ से इसमें से यदि माइनस कॉमन लेना चाहो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, चाहो तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसे ही यदि मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लेकिन हम इतना ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें हमने एक लाइन और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें से माइनस का कॉमन ले लो y2 बराबर, ये देखिएगा ये माइनस का साइन एक्स है, मैंने इसमें से माइनस का कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से माइनस का कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस का 1। क्यों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू माइनस का ऊपर से कॉमन ले लेंगे, हम इसको 1 प्लस साइन एक्स ही बोल सकते हैं,
माइनस मैंने कॉमन ले लिया, वन को आगे साइन को पीछे लिख दिया, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। नीचे वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इस पूरे ब्रैकेट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वाई टू बराबर माइनस का वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ये वाई टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, चलेगा। वाई टू की वैल्यू आ गई, ध्यान से समझ लीजिएगा चीजों को, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, वाई थ्री निकालेंगे। वाई थ्री निकालेंगे तो इसका आप जानते हो कि वन अपॉन एक्स का यदि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो समझ लो कि ये वाला पूरा एक्स है, जब ये वाली चीज एक्स है तो ये माइनस का, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस का वन, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल ये वाला माइनस का मैंने यहाँ पे, चलो माइनस वाली चीज तो मैं यहीं पर ले लगा इस तरीके से। अब ये माइनस का मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये चीज बची वन अपॉन एक्स, ऐसे समझ लो वन पर ये एक्स है, वन अपॉन एक्स का करते हैं तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर मैंने ये चीज एज ए एक्स मान ली, वन प्लस साइन एक्स को मैंने एक्स मान लिया दिमाग में, तो एक्स स्क्वायर वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो एक्स मानते हैं उसका दोबारा से करेंगे, वन का जीरो साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि हम इसको चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा वाई थ्री इक्वल टू, ये माइनस का भी इसको बाहर ही रहने दो, इसको माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, देखिए वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर था तो मैंने एक दो, मतलब भैया एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो उसी तरीके से वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो उसको मैंने एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट में रख दिया, ये माइनस का वन ये रहा और कॉस एक्स ये रहा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिएगा ये देखिए वाई वन, वाई वन की वैल्यू होती है कॉस एक्स बट्टे वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स बट्टे वन प्लस साइन एक्स, तो ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस का, और देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ये तो हो गई आपकी वाई वन की वैल्यू, देख लीजिए ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है ये cos x अपॉन वन प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये जो वैल्यू थी वाई वन की, ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू होगी वाई टू की, ये वाली वैल्यू होगी वाई टू की, तो कुल मिलाकर वाई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का वाई वन वाई टू, इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आ गई, अब मैं यहाँ से वाई फोर निकालूंगा, वाई फोर निकालूंगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, कैसे चलिएगा, इस माइनस को तो आप बाहर रखिएगा, कैसे करेंगे, ये वाला पहला फंक्शन, ये वाला आपका दूसरा फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो करते हो दूसरे का अवकलन, वाई टू का क्या हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा, फिर प्लस अब के दूसरा फंक्शन जो करते हो यानी वाई टू जो करते हो पहले का अवकलन करेंगे, वाई वन का अवकलन करेंगे तो वाई टू हो जाएगा इस तरीके से, तो y4 फोर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y1 y3 थ्री थ्री माइनस हो जाएगा, और ये y2 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 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये y4 की वैल्यू निकलाई, इतना ही काफ़ी है, चाहे तो हम और आगे कर सकते हैं लेकिन चार तक काफ़ी है, पांचवा भी निकाल सकते हैं लेकिन हमको पांचवा निकालने की जरूरत नहीं है। वाई वन वाई टू ये आ गया, वाई थ्री ये आ गया, ठीक है, और ये वाई फोर आ गया। अब सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, अब कैसे कैसे निकालेंगे देखिएगा, वाई जीरो यानी कि हम क्या करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री डेडस सो ऑन, मतलब एक्स और आवर जीरो हम सभी में रखेंगे, एक बार वाई में, फिर वाई वन में, फिर वाई टू में, वाई थ्री में, वाई फोर में, ठीक है, चलेगा। पहले वाई में रखेंगे वाई जीरो, तो देखिएगा यहाँ पर रखेंगे लॉ वन प्लस साइन जीरो, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो, क्योंकि वन प्लस साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग वन आ जाएगा, और लॉग वन की वैल्यू अपने आप में वो भी जीरो होती है, तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे ही y1 निकालेंगे, y1 y1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा y1 y1 जीरो
यानी वाई वन में हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वन कहाँ है, वाई वन ये रहा, ये क्या है कॉस एक्स, तो यानी कि कॉस जीरो बट्टे वन प्लस साइन एक्स यानी साइन जीरो। वाई वन बराबर था कॉस एक्स बट्टे वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स की जगह पर मैंने जीरो रख दिया नीचे ये, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वन अपॉन वन प्लस जीरो, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन, ये वन है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वाई वन जीरो की वैल्यू आ गई वन। ऐसे ही अब मैं वाई टू जीरो रख रहा हूँ, वाई टू जीरो, वाई टू कहाँ है, वाई टू ये रहा, तो ये कितना है माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन जीरो, तो ये टोटल मिला के साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सीधी सीधी बात माइनस का वन आ जाएगा, ये वाई टू जीरो आ गया। इसी तरीके से मैं और निकालूँ जल्दी से, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मिटा रहा हूँ देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वाई थ्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर ठीक है ये हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से, चलिए मैं इधर से ही कर रहा हूँ, यहाँ से ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी भी कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, यहाँ से कर। वाई टू हो गया वाई थ्री जीरो, वाई थ्री की वैल्यू ये थी माइनस वाई वन, वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी आई है, सीधे सीधे वन आई है, तो वन रख देंगे वाई वन की वैल्यू, इंटू वाई टू, वाई टू, वाई टू की वैल्यू अपने आप में माइनस का वन आई है, तो ये माइनस का वन रख देंगे, तो कुल मिलाकर इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का वन आ जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, वन की मल्टीप्लाई वन में वन। ऐसे ही आपका वाई फोर जीरो करेंगे, वाई फोर जीरो तो कितना आएगा, वाई वाई फोर ये साइन साइन लिख दीजिएगा मीटर रहा है, ठीक है, वाई फोर, वाई फोर की वैल्यू ये थी तो माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी थी, वाई वन की वैल्यू आपका प्लस का वन था, इंटू वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू कितनी आई थी, वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू प्लस का वन आई थी, फिर प्लस ये सॉरी माइनस है, माइनस माइनस y2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा माइनस का वन, ये भी माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस का वन हो जाएगा, और फिर एक माइनस के अलावा माइनस का वन, तो कुल मिलाकर y4 जीरो की यदि मैं बात करूँ तो माइनस का दो आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे हम y मैकलॉरिन्स थ्योरम, क्या था, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स बट्टे वन फैक्टोरियल, वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल, वाई टू जीरो प्लस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल, वाई थ्री जीरो, इसी तरीके से आगे तक चलते चलेंगे हम रखेंगे। तो इस y की जगह पे हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, log वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू कितनी थी जीरो, प्लस एक्स बट्टे वन फैक्टोरियल इंटू वाई वन जीरो, वाई वन जीरो की वैल्यू वन वन, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल इंटू वाई टू जीरो, वाई टू जीरो की वैल्यू माइनस का दो, माइनस का वन, फिर प्लस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल इंटू वाई थ्री जीरो, वाई थ्री जीरो की वैल्यू वन, फिर प्लस एक्स की पावर चार बट्टे चार फैक्टोरियल इंटू कितना वाई टू, ये आ जाएगा वाई फोर, वाई फोर जीरो की वैल्यू इतनी माइनस के दो, ऐसे आगे तक चलता चला जाएगा। तो लॉग वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो जीरो का काम खत्म, यहाँ पर सीधे सीधे x लिख देंगे, x प्लस ये माइनस का आ जाएगा, x माइनस का वन लिख देंगे तो x स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल, ठीक है, फिर ये प्लस का वन है तो x की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये माइनस का दो आ जाएगा, माइनस का दो यहाँ पर आ जाएगा, x की पावर चार बट्टे चार फैक्टोरियल, फिर प्लस इसी तरीके से आगे तक बढ़ता चला जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिर आगे एक प्रश्न और मैं आपको एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न और कराता हूँ आपको, ठीक है? चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चाहें तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें नीचे का खोल भी सकते हैं, नीचे दो फैक्टोरियल का वैल्यू दो हो जाएगी, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू तीन गुणी छह हो जाएगी, चार फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार गुणा तीन, चार किया बारह आ जाएगा, क्योंकि दो से दो कट जाएगा। तो चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यू को खोल भी सकते हैं। खोलेंगे कैसे देखिएगा, यहाँ पर हम खोल भी सकते हैं, जैसे ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो, दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो होती है, प्लस एक्स की पावर तीन बटे तीन फैक्टोरियल की वैल्यू तीन गुणा दो गुणा एक तीन गुणी छह हो जाएगी, माइनस ये वैल्यू जो है एक्स की पावर चार बट्टे बारह, क्यों, क्योंकि नीचे दो है ना, इसको हम दो बट्टे नीचे चार फैक्टर चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, इस तरीके दो से दो कट जाएगा, चार किया बारह इस तरीके इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है? दो चार छः, दो छः फिर बारह, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? चलिए आगे आगे कर लेते हैं कुछ सवाल, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं। सवाल पर देखिएगा क्या कह रहा है, एक्सपेंड इन एक्स की पावर फोर टर्म्स, यानी कि आपको ये एक्सपेंड करना है एक्स की पावर चार पदों में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, सीधे सीधे वाई मान ले रहे हैं इसको, ठीक, करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से समझ लो सॉल्यूशन यहाँ से। पहले हमने वाई मान लिया, वाई इज इक्वल टू लॉग बेस की वन प्लस ई की पावर एक्स, एक बार इसका आकलन करेंगे y1 तो क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये हमने समझा कि x है, जो हमने समझा x उसका दोबारा से करना पड़ेगा, 1 का अवकलन 0 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। यदि मैं y2 निकालूं, y2 किस तरीके से किया जाता है आपको पता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जैसे अभी अभी किया था, फिर नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो ऊपर वाले का आकलन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो कहते हो e की पावर x इंटू नीचे वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे, ठीक है? ऊपर वाला जो कहते हो नीचे वाले का अवकलन करेंगे, तो ये भी आपका e की पावर x ही हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नीचे वाले का e की पावर x क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, तो ये आपका देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 2 e की पावर x, इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी e की पावर x और e की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, e की पावर ये 2x हो जाएगा, तो इसमें तो बड़ी समस्या आएगी, तो इसीलिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ऐसे ना करिए क्योंकि इसमें ऐसे लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इस सवाल को। ये जो y1 है ना, y1 ये आपको कितना दे रखा है, e की पावर x दे रखा है, नीचे 1 प्लस e की पावर x दे रखा है, तो अब मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, इसमें एक 1 जोड़ दे रहा हूँ और एक 1 में घटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अब आसान हो जाएगा। क्या इसको लिख दे रहा हूँ मैं 1 प्लस e की पावर x माइनस 1 है, और इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इन दोनों के नीचे ले रहा हूँ, एक को 1 प्लस e की पावर x बीच में लगा दे रहा हूँ माइनस, ये 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर है, इस तरीके से मैंने ये दो भागों भिन्न रूप में तोड़ दिया, पहले मैंने एक जोड़ा एक घटाया, इसको एक साथ ले लिया 1 प्लस e की पावर x, उसके नीचे इसको ले लिया बट्टे में, फिर ये वाला माइनस लगा दिया 1 अपॉन इसके ले लिया, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे बात वही कंडीशन आएगी और यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो इसको मैंने इस रूप में तोड़ दिया, लेकिन अब मेरे का ये क्या बन जाएगा, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्यों हुआ आप समझ में आ गई, 1 से 1 कट गया, तो कुल मिलाकर बात ये है, तो इसमें आप इसका भाग करोगे तब भी यही चीज आ जाएगी, इसलिए हम ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चीजों को सीखो, चीजों को हम सीखेंगे कैसे,
ये चीज आ रहा है, अब इसका अवकलन करो। इस वाई वन का अवकलन करेंगे तो वाई टू हो जाएगा, वन का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये दिखाई दे रहा है वन अपॉन एक्स रूप का, तो वन अपॉन एक्स का करते हैं तो हो जाता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर ये वन प्लस ई की पावर एक्स है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फिर इन टू जो ई की जो एक्स की जगह पर होता है उसका दोबारा से करेंगे, वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं देखो मिस्टर कि वन अपॉन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे ही अवकलन कर रहे हैं वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स का कर रहे हैं, तो समझ लो कि ये चीज एक्स है, तो ये चीज एक्स है तो माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पर क्या है, ये है एक्स की जगह पर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो एक्स की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो वन का अवकलन जीरो प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, जीरो को लिखो या मत लिखो तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इनटू ई एक्स, ये इस तरीके से आएगा। चलिए इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो वाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। चलिए देखो एक चीज और सीख लो, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से समझो, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ इस वाली वैल्यू की, इस वन अपॉन ये पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा प्लस के माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस ई की पावर एक्स एक साथ ले लिए इनटू ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, ये मैंने नीचे वाला वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर था उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, वन प्लस ई की पावर एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स, क्योंकि इस ब्रैकेट में करेंगे तो नीचे ब्रैकेट का स्क्वायर ही आना है, लेकिन हमने ये दोनों कर दिए ठीक है, अरे माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वन हो जाए ई की पावर एक्स मैंने इसके साथ ले दिया, क्यों, क्योंकि मैं इस रूप का ले रहा हूँ, ये ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, ये तो वैल्यू वन वाई वन की हो गई, और यहाँ से वैल्यू यदि आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मैं वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ये सारी चीज ये वाला जो हिस्सा है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाई वन उधर उठ के जाएगा तो माइनस का वाई वन हो जाएगा, समझ में आई बात नहीं है, मतलब ये माइनस का ये पूरा टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का वाई वन उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसीलिए इस वाली पूरी वैल्यू की जगह पर कितना आ जाएगा देखिएगा, इस वाली की जगह पर आ जाएगा वन माइनस वाई वन आ जाएगा, और किंतु ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये आपकी ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाई वन है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर वाई वन हो गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर वाई वन ये हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये वन माइनस वाई वन हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गई। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई वाई टू की वैल्यू, ठीक है। अब मैं वाई टू की वैल्यू निकलाई, इसी तरीके से मैं वाई थ्री की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई वन का अवकलन करेंगे तो वाई टू हो जाएगा माइनस y1 का स्क्वायर, आप जानते हो x स्क्वायर का करते हैं तो 2x आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y1 आ जाएगा, जो x मानेंगे यहाँ पर समझो कि ये y1 x है तो x स्क्वायर दिखाई देगा, x स्क्वायर का 2y1 हो जाएगा, इसका फिर से y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप y4 निकालो, क्योंकि हमको x की पावर चार टर्म में करना है तो x की y4 निकालेंगे, y4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये y2 का करेंगे तो y3 हो जाएगा, ये माइनस का दो बाहर आ जाएगा, इतना ये आपका पहला टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म कैसे करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन करेंगे वाई थ्री हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन करेंगे तो ये वाई टू हो जाएगा, इस तरीके से तो वाई फोर की वैल्यू हो जाएगी वाई थ्री माइनस ये टू वाई वन वाई थ्री, इसकी मल्टीप्लाई कर दे वाई टू और वाई टू, वाई टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू वाई टू का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ये वाई फोर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री डेट आ जाएगा, यानी कि इन सभी पदों में हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले वाई इसमें वाई जो था वाई वाई जीरो यानी कि ये यहाँ पर एक्स है उसमें करेंगे तो लॉग बेस ई वन प्लस ई की पावर जीरो, मतलब क्या है ई की पावर जीरो,
क्योंकि x की जगह पर हम जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log बेस e वन प्लस वन। वन प्लस वन क्यों हो जाएगा, क्योंकि वन e की पावर जीरो की वैल्यू वन, तो ये भी वन हो जाएगा, वन प्लस वन दो हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, वाई जीरो ई की पर तो हो जाएंगे log बेस e ये दो। अब log दो की वैल्यू नहीं रखनी है इसको, log दो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब रखेंगे हम वाई वन जीरो, वाई वन जीरो यानी वाई वन की वैल्यू कहाँ है, ये रही वाई वन की वैल्यू, आप चाहो तो इसमें रख सकते हो, चाहे वाई वन की वैल्यू ही ये है, वाई वन की वैल्यू कितनी है, तो हम इसमें रख देंगे, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा वाई वन, क्योंकि वाई वन यही है, इसको ही सॉल्व करके हम ये तो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ाया था, तो हम इसमें ही रख देंगे, हालांकि इसमें रखोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, देखो कर लो आपकी इच्छा, देखो इसमें रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यही है ना वाई वन, वाई वन किसका इतना समझो, यहीं से तो किया था आगे ऊपर वाई वन का वाई टू, ठीक है, तो वाई वन, वाई वन जीरो रखेंगे, तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर जीरो ऐसे, ठीक है, ये ई की पावर एक्स की जगह जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, तो इसका वन माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो वैसे भी कितना बचेगा, एक बट्टे दो बचेगा, तो ये एक बट्टे दो आप लिख सकते हो, वन में से एक बट्टे दो जाएगा तो एक बट्टे दो बचेगा, आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, क्यों, क्योंकि आप जानते हो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, आधे को एक बट्टे दो लिखते हैं, चाहो तो ये वन माइनस एक बट्टे दो है, हमने दो एलसीएम ले लिया, दो की मल्टीप्लाई दो एक दो एक बट्टे दो, इस तरीके से आप कैसे भी समझ लीजिएगा, ये आप ऐसे ही वाई टू जीरो रखेंगे, वाई टू जीरो, वाई टू की वैल्यू ये है, ठीक है, आपको पता चल रहा है y2 की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप वाई वन, वाई वन की वैल्यू अपने आप में दिखाई दे रही है, एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे दो का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे ये चार हो जाएगा, नीचे हम क्या करेंगे, इधर लिख दे रहा हूँ, चार मैंने एलसीएम ले लूँगा, दो की चार तो दो बार जाएगा माइनस, ठीक है, चार एक चार एक बार जाएगा, आप नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे लिखो, यहाँ पर समझना, दो दूनी चार दो माइनस चार एक चार एक बार गया तो दो में से एक गया तो एक, एक बट्टे चार आ जाएगा, वाई टू जीरो, ऐसे ही मैं वाई थ्री जीरो रखूँगा, वाई थ्री जीरो, वाई थ्री की वैल्यू कहाँ है, वाई थ्री, वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू ये रहा, तो वाई टू, वाई टू की वैल्यू अपने आप में एक बट्टे चार आई है, एक बट्टे चार माइनस टू, वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी आई थी, वाई वन, वाई वन की वैल्यू आई थी एक बट्टे दो इन टू, और वाई टू, वाई टू की वैल्यू कितनी आई थी, वाई टू एक बट्टे चार, ठीक है, इस दो से ये वाला दो कट जाएगा, तो ये एक बट्टे चार माइनस एक बट्टे चार आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, वाई थ्री जीरो की वैल्यू आपकी जीरो आ गई, ठीक है, एक बार और फिर से हम चेक कर ले रहे हैं, आपका वाई थ्री की वैल्यू जो है आपका कितनी हो गई, वाई टू माइनस टू वाई वन वाई टू, वाई टू की जो वैल्यू है वाई टू, वाई टू, वाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, एक बट्टे चार आई थी, एक बट्टे चार माइनस दो इंटू वाई वन, वाई वन की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, एक बट्टे दो आई थी, एक बट्टे दो इंटू, और वाई टू की जो वैल्यू थी वो एक बट्टे, वाई टू की वैल्यू एक बट्टे चार आई थी, ठीक है, तो एक बट्टे चार, एक बट्टे दो से दो कट जाएगा, तो एक बट्टे चार, एक बट्टे चार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वाई फोर कर लो, वाई फोर जीरो कर लीजिएगा, वाई फोर जीरो करेंगे तो कितना आएगा, वाई फोर जीरो गेरा, इसमें करेंगे तो वाई थ्री की वैल्यू तो अपने आप में जीरो आ गई, माइनस टू वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई वन की वैल्यू एक बट्टे दो है, फिर माइनस सॉरी वाई थ्री भी है, वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू कितनी है, वाई थ्री की वैल्यू जीरो है, फिर माइनस टू इंटू वाई टू का स्क्वेयर, वाई टू की वैल्यू कितनी, एक बट्टे चार है, एक बट्टे चार का स्क्वेयर, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, एक बट्टे चार चक 16, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस दो इंटू एक बट्टे 16, 16 ये कट जाएगा तो माइनस का वन अपॉन आठ ये आ जाएगा, दो से ये कट गया 16 बार, तो ये माइनस का दो अपॉन आठ आ जाएगा, इतनी ये वैल्यू आपकी निकल आई, इन वैल्यूज को याद रखिएगा, ये वैल्यू सारी अब यहाँ से मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए यहाँ से हम कर रहे हैं बाय बाय मैकलॉरिन थ्योरम, तो y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स बट्टे वन फैक्टोरियल वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल वाई टू जीरो प्लस ऐसे डेटाडस आगे तक। तो y की वैल्यू कितनी थी, लॉग बेस ई वन प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू कितनी आई है, लॉग बेस ई दो फिर प्लस x अपॉन वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन आ जाएगी इंटू डायरेक्टली मैं फैक्टोरियल की वैल्यू रख रहा हूँ, y जीरो की वैल्यू कितनी आई है एक बट्टे दो फिर प्लस एक्स स्क्वेयर बट्टे दो आ जाएगी इंटू क्योंकि दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो आ जाएगी वाई टू जीरो की वैल्यू एक बट्टे चार प्लस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल की वैल्यू छः आ जाएगी, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू छः होती है इंटू इंटू वाई थ्री जीरो की वैल्यू कितनी आई है जीरो ठीक है फिर प्लस कर देंगे ऐसे ही वाई फोर यानी एक्स की पावर चार बट्टे चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक चार किया बारह दूनी चौबीस तो चौबीस आ जाएंगे चलो इस पद को यहाँ पे ले लेगा प्लस एक्स की पावर चार बट्टे चार फैक्टोरियल आना चाहिए चार फैक्टोरियल की वैल्यू चौबीस होगी इंटू और वाई फोर जीरो और वाई फोर जीरो की वैल्यू कितनी आई है वाई फोर जीरो की वैल्यू आई है माइनस का वन अपॉन एट ये आई है फिर प्लस इसी तरीके से आगे तक के पद चले जाएंगे तो लॉग बेस ई वन प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई दो फिर प्लस ये एक्स बट्टे दो फिर ये कितना हो जाएगा ये एक्स बट्टे दो आ गया प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे आठ फिर प्लस ये प्लस ये तो जीरो हो गया इस टर्म को छोड़ देंगे सीधे इस पर जाएंगे माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स की पावर चार बट्टे चौबीस अट्ठे आठ चौक बत्तीस का दो आठ दूनी सोलह सत्रह अठारह उन्नीस एक सौ बानवे फिर प्लस इसी तरीके से आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाए घबराना नहीं है उत्तर आपका कैसा भी आए आपको घबराना नहीं है टेंशन नहीं लेना है ठीक है चलिएगा हमारा इतना ही आ रहा है लॉग दो वन अपॉन टू एक्स वन अपॉन एट एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक सौ बानवे स्क्वेयर वन एक्स की पावर चार इसी तरीके से हमें चार टर्म तक करना था तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना आपको घबराना नहीं है आप बस करते रहो कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ पर लगा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया लेकिन जब हमने चेक किया सही था जो सही है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आप सही कर रहे हो तो बाकी सब कुछ सही होगा ठीक है बस ठीक चलेगा पर एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं पर मिस्टेक कर दो और आप अपने आप में भरोसा रखो कि ना ना मैं सही कर रहा हूँ तो वो गलती भी हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं केवल कॉन्फिडेंस रखना चलिएगा तो ये आपका मैकलॉरिन थ्योरम खत्म कल आपकी चलाऊंगा मैं टेलर्स थ्योरम कराएंगे फिर टेलर्स थ्योरम पर कुछ सवाल कराएंगे फिर आपका सीधे सीधे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम रहेगा आपका बहुत ही शानदार टेंजेंट एंड नॉर्मल्स बहुत ही प्यारा टॉपिक है ट्वेल्थ से रिलेट करेगा इसलिए ट्वेल्थ वाला आपको आना चाहिए ठीक है चलेगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जय हिंद।